well, सौरभ सबसे जब भी मुलाकात होती है ना एक अच्छी फीलिंग जरूर आती है. मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छी फीलिंग एक बार फिर से चंडीगढ़ में आए हैं. वेलकम टू पंजाब सर. थैंक यू वेरी मच. और मैं भी अच्छी फीलिंग के लिए ही आता हूँ क्योंकि आपसे मुलाकात जब होती है तब भी अच्छी फीलिंग होती है. एंड दीज फिल्म फेस्टिवल्स आर फॉर अ वेरी गुड फीलिंग एंड आई एम हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट. और सौरभ सर, लाइक जब फिल्म फेस्टिवल्स की बात आती है या फिर जब इस तरह की डिस्कशंस की बात आती है, किरदारों की डिस्कशन आजकल बहुत बढ़ गई है. पहले टाइम से लेकर आजकल लोग किरदारों पे ज़्यादा फोकस करने लगे हैं. पहले सिर्फ एक एक्टर को देखा जाता था जो मेन लीड्स होते थे, लेकिन किरदारों की जो लाइक जिसके बारे में डिस्कशन बढ़ रहा है, आपको लगता है कहीं ना कहीं ये सभी एक्टर्स के लिए बहुत अच्छी बात है? बहुत अच्छी बात है क्योंकि एक्टर जो होता है वो किरदार ही करता है. चाहे वो स्टार हो वो भी किरदार ही करता है. ये बात अलग थी कि एक ज़माने में या अभी भी होता है, ऐसा नहीं है कि एक आइकॉन की पूजा होती है, उसके बारे में ज़्यादा जानने की उत्सुकता होती है लोगों में. लेकिन अगर आप बेसिक देखेंगे तो मूलभूत तौर पे लोग कहानी सुनने आते हैं, ठीक है, और कहानियों में किरदार ही होते हैं. तो हम सभी, हालांकि ये ज़रूर है कि कुछ पॉपुलर एक्टर्स होते हैं, उनका एक स्टार स्टेटस होता है, और लेकिन वो भी एक्टर ही होते हैं, है ना. सो बेसिकली एक्टर ही हैं, है ना. जैसे क्रिकेट में भी अगर आप देखेंगे तो स्टार क्रिकेटर्स होते हैं, बट दे आर ग्रेट प्लेयर्स, यू नो, सो दैट्स दैट. अगर मैं आपकी बात करूं तो अभी जिस तरह से किरदार आपकी धीरे धीरे जो सामने आए, वो अभी तक कितना सोशल मीडिया के दौर में उनकी जो पहचान है वो अलग हो गई है. जॉली LLB के आपने देखे होंगे कि क्लिप्स जो सोशल मीडिया पे वायरल, आपको लगता है कहीं ना कहीं पुरानी फिल्में दोबारा जिंदा हो रही हैं सोशल मीडिया की उन स्मॉल वीडियोज़ के जरिए? देखिए, ये फिल्में जिंदा रहती हैं लोगों के जहन में, ठीक है ना. अब उसके टूल्स नए नए आ रहे हैं. सोशल मीडिया जो है उसी को याद करने का एक टूल है. पहले जैसे कि एक ज़माने में जब गूगल नहीं था और इंटरनेट नहीं था, तो लाइब्रेरीज हुआ करती थी. लोग लाइब्रेरीज़ में जाके चीज़ों को याद रखा करते थे, लेखकों को पढ़ा करते थे, या पढ़ाई की चीज़ें भी जो होती हैं उनको उस रिसर्च उसी से की जाती थी. फिर धीरे धीरे इंटरनेट आया, देन दैट बिकेम द पार्ट ऑफ लाइफ. इसलिए देखिए, सोशल मीडिया इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म जहाँ पर लोग जब चाहें अपने किरदारों को, अपने कहानियों को वो याद कर सकते हैं. आने वाले टाइम में साल 2022 की बात करूँ तो क्या कुछ तोहफा आपकी तरफ से ऑडियंस को मिलने? मेरा काम तो काम करना है, मैं काम करता रहता हूँ. काम में क्या क्या आने वाला है? बहुत सारी फिल्में हैं, कहना चाहिए कि बहुत सारी फिल्में ऐसी हुई जो कि हमारा जो लॉकडाउन का जो फेज़ आया तो बहुत सारी फिल्में तैयार थी जो नहीं आ पाई, जिसमें शमशेरा एक बहुत बड़ी फिल्म है ना, तो वो इस साल रिलीज़ हो रही है जुलाई में. तो पहला नाम तो वही है. उसके अलावा आप बहुत सारी वेब सीरीज़ में मुझे देखेंगे, बहुत सारी फीचर फिल्मों में देखेंगे. अभी चंडीगढ़ में ही मैं एक फिल्म करके गया हूँ, बबली बाउंसर, जो कि मधुर वीडियोस और भी वायरल हुई जी. और मधुर भंडारकर की फिल्म है तमन्ना, उसके अंदर मेन लीड में है. तो इस तरह से बहुत सारी फिल्में हैं. अब देखिए, मुलाकात होती रहेगी ऑडियंस से और उम्मीद रहेगी आप चंडीगढ़ आते रहिए, है ना. हम बिल्कुल बिल्कुल आता रहूँगा. मुझे बहुत पसंद है ये शहर.